आदर्श नगर थाना अंतर्गत विज्ञान नगर में रहने वाले महादेव नाथ योगी के घर से अज्ञात चोर 60,000 रुपए नगद सहित 1,00,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक महादेव नाथ योगी ने बताया कि वह और उसका परिवार पुष्कर मेले के दौरान पुष्कर में दुकान लगाते हैं, इसी वजह से घर में कोई नहीं था, जिसका चोरों ने फायदा उठाते हुए मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महादेव नाथ योगी ने पुलिस पर भी रिपोर्ट देने के दौरान गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। पहले डिग्गी बाजार में रहते थे, अभी 4-5 साल से ही मकान लिया हमने, 2013 में मकान लिया है, अब तक कोई चोरी नहीं हुई। हर साल हम मेले करता हूँ मैं, मेरे को जन्म से 13-14 साल की उम्र से मैं मेले कर रहा हूँ और सब मेले मैंने करे हैं। और अभी क्या पुष्कर मेले में हमेशा जाते हैं, वहाँ पर हमारी दुकान भी है और ब्रह्म चौक के अंदर दुकान है मेरी, और हमेशा का धंधा है हमारा, हर साल हम जाते हैं, अभी 7-8 को निकल जाते हैं, बाकी वैसे रोजाना जाते हैं दो छोरे, बाकी फैमिली पूरी हमारी वो 8 नवमी को या 10 को चल जाती है। ऐसे तो वहाँ पे रहते हैं, मेरे साले का मकान भी है वहाँ पे ही, ससुराल मेरा वहीं पे है पुष्कर के अंदर ही, गंगा माई के मंदिर के आगे। तो हम हर साल की जगह जाते हैं और चले गए, उसके परिवार ये 6-7 तारीख समझ लो, तो इस तारीख को चले गया। फिर एक लड़का यहाँ पे रहता था, ये लड़का यहाँ पे रहता था, तो इसकी दुकान है गुजरपाड़ा में, तो रोजाना आता था 10-11 बजे आता है, सो जाता है 14 रात तक यहाँ पे सोता रहा। उसके बाद सब 14 को गया ये रात को, और पूनम को ये चोरी हुई है शायद, मैं तो देखो अंदर से है, पूनम को चोरी हुई है ये। तो ऐसे जी सामान देखो, कान की टोपिस है, टीका है, कनकती थी वो तो नकली थी देखो, और ये हार था वो भी नकली था, नकली हार है, अंगूठियां है चांदी की, वो 8-10 अंगूठियां 5-7 जो है गई, पाजेब है बच्चों की औरतों की पाजेब है, 3-4 जोड़ी पाजेब गई है, और नगद पैसे थे, छोरों की तनख्वाह लेके आए हुए थे, 5-6 तारीख को तारे कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, थोड़े 60,000 थे, तो वो चोरी करके गए, सब मिला करके सब छोरों के, सब एक के नहीं सबके, अब ये बच्ची ने जमा करे तो ये भी है, सब कुछ करके कम से कम 1.5-2 लाख का ज्यादा ही हुआ है, बल्कि ड्रेस वगैरह लेके गए उनका, तो अब देखा हमने तो लिखा है रिपोर्ट में, तो 1.5 लाख ही ऐसे लिखा ही है, रिपोर्ट लिखा ही है, कल वो पड़ी है कॉपी मेरे पास में, बल्कि मैं BPL से हूँ, हम कैसे कमा रहे हैं कैसे खा रहे हैं, ये लोन से पैसा लेकर के हम लोन चुका रहे हैं पंजाब बैंक में, हम बहुत दुखी होकर के हमने रात दिन मेहनत करके हमने ये करा मकान लिया है मुश्किल से। रिपोर्ट ये रामगंज थाने में ऊपर है, रामगंज थाने के ऊपर है, आदर्श नगर थाना वहाँ लिखाई है, वहाँ पे भी साहब गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी साहब, वहाँ पे जो रिपोर्ट लिखाने की मैंने दी रिपोर्ट में, कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अनपढ़ हूँ, तो उन्हें एक रिपोर्ट लिख कर दी तो कहेगा नहीं दूसरी लिखो, तो मैंने कहा यार मैं लिखो या तो बताओ आप, या लिखा होना चाहिए उसके अंदर, तो उसमें मैं भर दूँ, तो नहीं भरी। उसके बाद में मैं 2-3 घंटे तक उसके बाद में वो लेडीज वो टाइप कर रही थी, उसने भी नहीं दिया मेरे को, यहाँ बैठ जाओ बाहर, बाहर बैठा रहा मैं 3-4 घंटे तक, तब भी मेरे को वो टाइप करके नहीं दिया मेरे को। पुलिस आई क्या घर पे? पुलिस आई थी रात को, आई थी परसों के दिन रात। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।